आज हम बात करेंगे नियोसोफोटा की, जिसमें चेहरे पे दाग लेकर के इंसान जो है जिंदगी भर जीता है, थोड़ा सा डिफरेंट फील करता है सोसाइटी के बाकी लोगों से अपने आप को। एवरीथिंग अबाउट नियोसोफोटा। आखिर ये नियोसोफोटा होता क्या है? ये एक ब्लू ग्रे कलर का जो है डिस्कलरेशन आता है हमारी स्क्लीरा पे, मतलब आँख के ऊपर और उसकी सराउंडिंग की स्किन में। ये ट्राइजमाइनल एरिया हम इसको बोलते हैं। इस जगह पे एक पैच आता है जो कि बाय बर्थ होता है, लेकिन रेयरली कई बार ये प्यूबर्टी तक भी आ सकता है। और वो डिस्कलरेशन की वजह से जो पैच बनता है उस पैच को बोला जाता है नियोसोफोटा। आखिर ये अजीब से दिखने वाली बीमारी होती क्या है? अगर हम इसका कारण जानना चाहें तो उसके लिए आपको कुछ साइंटिफिक टर्म्स जो है आपको जानने पड़ेंगे, जिसमें एक मिलेनोसाइट सेल्स होते हैं। इन सेल्स का काम है मेलानिन पिगमेंट को बनाना। इन सेल्स की वजह से जो है नियोसोफोटा होता है। अब ये होता कैसे है? हमारा जब एक बच्चा बनता है माँ के पेट में तो उसमें एक न्यूरल क्रेस्ट होती है। उस न्यूरल क्रेस्ट से जो है सेल ट्रांसमिट होते हैं पूरी बॉडी में। जब वो सेल्स ट्रांसमिट होते हैं उनमें से कुछ सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स के, वो भी जो है माइग्रेट करते हैं हमारे पूरे शरीर में। अब नॉर्मल जब वो माइग्रेट करते हैं तो मेलानोसाइट सेल्स, ये जो हमारी स्किन की लेयर्स हैं, इसमें यहाँ से यहाँ तक को एपिडर्मिस बोला जाता है और इस लेयर से नीचे तक को जो है वो डर्मिस बोला जाता है। अब नॉर्मल जो है आपके और हमारे बीच में जब हम इन मेलानोसाइट सेल्स को देखते हैं तो वो यहाँ पाए जाते हैं, मतलब एपिडर्मिस की सबसे नीचे की लेयर में वहाँ पे पाए जाते हैं ये सेल्स यहाँ। लेकिन जब वो ट्रैप कर जाते हैं डर्मिस के अंदर ही और यहाँ नहीं पहुँच पाते, अगर वो यहीं रह जाते हैं और यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, अब कुछ डिस्कलरेशंस आते हैं बॉडी में, जिसको हम नियोसोफोटा कहते हैं इसमें, या नियोसोफाइटो कहते हैं अगर वो बाकी बॉडी पार्ट पे हो। आखिर नियोसोफोटा होने के बाद में आप उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, या इस एडवांस बढ़ते वर्ल्ड में उसके लिए ट्रीटमेंट कौन कौन से अवेलेबल है? सो ट्रस्ट मी, आप अगर गूगल पे डालेंगे बहुत सी क्रीम्स वगैरह अवेलेबल होंगी और 100% उनमें से एक भी क्रीम काम नहीं करती और बिल्कुल भी नहीं करती। सो आप उस पर अपना पैसा तो मत बर्बाद कहिए, उससे अच्छा आप अपने पैसे को जला लीजिए अगर आपको पैसा वेस्ट करने की इच्छा है तो। बट कोई भी क्रीम से नियोसोफोटा में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर उसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो वो है सिर्फ क्यू स्विच एनडी एग लेज़र, जिसमें क्या किया जाता है, हम एनडीएग एक लेज़र होता है, उससे क्यू स्विच जो होता है वो उसका एक पैटर्न होता है और उससे जो है लेज़र से लेज़र्स दी जाती है और वो मेलानोसाइट सेल्स को किल करता है, उससे पिगमेंट धीरे धीरे कम होने लगती है। और आप नियोसोफोटा होने के बाद में भी आप नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं बिना पैच के। ये बहुत बड़ी एडवांसमेंट है जो कि आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप ये प्रोसीजर कराने की ठान रहे हैं तो आपके मन में भी कुछ सवाल आ रहे होंगे, क्या ये पेनफुल होता है, कितना इसमें कॉस्ट लगता है, कितने सेशन लगते हैं, कहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और कैसे इनको किया जा सकता है। मैं आपको ये बता दूं, पेन तो बहुत ही माइनर होता है इस लेज़र में। अगर आप सेंसिटिव है पेन के तो आपके कुछ क्रीम लगाई जा सकती है जिसके बाद आपको पेन ऑलमोस्ट नील होगा। सो पेन की इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, ऑलमोस्ट ये पेनलेस प्रोसीजर रहता है। सेशंस कितने लगेंगे वो डिपेंड करता है, क्योंकि एक ये स्पेक्ट्रम है कि आपको कितना जो है आया निशान कितना है और कितने ज़्यादा उसमें ऑलरेडी कलर्ड है। सो उसमें सेशन डिपेंड करते हैं, आपके डोज पे डिपेंड करता है कि आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या आपके प्लास्टिक सर्जन हैं वो कितनी डोज जो है वो यूज़ कर रहे हैं। मेनली यूजली जो है 8-10 सेशंस लगते हैं जिससे ये ऑलमोस्ट नॉर्मल दिखने लगता है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है, हमारे बहुत से पेशेंट ये पूछते हैं कि क्या ये ख़तरनाक है या इसमें किसी तरह कोई कैंसर हो सकता है। सो नियोसोफोटा में कैंसर होने की संभावना नहीं होती है और ये किसी भी तरह की कोई ख़तरनाक प्रॉब्लम नहीं है जिससे आपकी वाइटैलिटी या लाइफ को
कोई एडवर्स इफेक्ट करे या आपकी लाइफ में किसी तरह कोई इंटरफेरेंस करे एज अ वाइटैलिटी, बट सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पस के लिए जो आपके चेहरे पे दाग दिखता है उसके लिए आप ये लेजर्स करवा सकते हैं जिससे ये मार्क दिखना बंद हो जाए। हमने काफ़ी पेशेंट्स के ये किया है जिसमें से हम आपको से मिलवाएंगे, जिन्होंने परमिशन हमें दी है अपनी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, जिनके हमने रिपीटेडली सेशंस किए हैं और वो काफ़ी दूर से हमारे पास सेशन लेने आते हैं। तो इन सेशंस के बाद में उनका ये काफ़ी कम हो गया है और काफ़ी कम होने के बाद में अब उनकी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी जो लाइफ में चल रही थी उन वो भी काफ़ी अब शॉर्ट आउट है और वो अब ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ में अपनी जी रहे हैं। सो मिलते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और मैंने काफ़ी सुना अविश क्लिनिक के बारे में, तो मैं काफ़ी टाइम से परेशान था अपने बर्थमार्क को लेके, इसको नेव से ओटा बोलते हैं, मेरे को नहीं पता था कि पहले इसको बोलते ही क्या है। तो जब मुझे पता चला तो फिर मैंने सर्च किया तो एक मैंने अविश क्लिनिक का नाम देखा और काफ़ी अच्छे व्यूज़ देखे और सर से मिला डॉक्टर विजय कुमार जी से। तो मेरा ट्रीटमेंट को लगभग एक साल कंप्लीट होने वाला है और मेरा आज 9 सेशन है और जैसा कि मैंने देखा है कि अभी तक मेरे इसमें निवेसोफोटा में लगभग 60% का इम्प्रूवमेंट हो चुका है। जब हम इसके सेशंस करवाते हैं तो सेशंस करवाने के बाद में काफ़ी कम हो जाता है, बट 100% निवेसोफोटा को हटाना नामुमकिन है अभी तक की साइंस में। मे बी इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी एडवांसमेंट आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है, लेकिन अभी तक जो है इसके सेशंस होने के बाद में ऑलमोस्ट नील दिखने लगता है लेकिन ये कम्प्लीटली नहीं जाता। अब क्वेश्चन ये आता है क्या उसका रिएकरेंस हो सकता है? रिएकरेंस के चांसेस कम होते हैं बट फिर भी इसका कलर जो है आपको दोबारा थोड़ा थोड़ा आ सकता है, लेकिन जैसे ही अगर कलर स्टार्ट होता है तो आप उसके सेशंस दोबारा ले लीजिए और ये ऑलमोस्ट फिर बैक टू नॉर्मल आपको दिखने लगेगा। अगर डाउन टाइम की हम बात करें लेज़र कराने के बाद में उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग या रेडनेस आ सकती है अगर हम डोज ज़्यादा यूज़ करें, कम डोज पे इसमें कोई डाउन टाइम नहीं आता, बट अगर आपने डोज ज़्यादा की है तो वहाँ पे स्वेलिंग और रेडनेस आ सकती है जो कि आपका एक दिन ले सकती है आपकी बैक टू नॉर्मल स्किन आने में। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप इस ट्रीटमेंट को फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं निवेसोफोटा से रिलेटेड या कोई भी निवेस से, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। अगर आपको या आपके फ्रेंड्स को कोई भी स्किन और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है एक बार अविश क्लिनिक को याद जरूर करें, हमें आपसे दिल से लगाव है, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। थैंक यू। और आसान कर लेते हैं, पेन लाओ, पेन से समझाते हैं यहीं पर मार्क करके। पतला पेन है वहाँ पे कोई 2 रुपये वाला पेन आएगा वीडियो में, तुम्हें तो पता नहीं मेडिकल के बच्चे खुश हो जाएंगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कंसेप्ट होता है, उन्हें समझ में ही नहीं आ पाता, तो उनके लिए आसान हो जाएगी, उनके एग्जाम में क्लासेस खोल दूँगी। फिजिक्स वाला कर दूँ क्या मैं? मेडिकल वाला